राजू मांझू का भी रोल था एक तरफ मेरे बर्थडे की तैयारियां चल रही थी दूसरी तरफ मेरे खिलाफ साज़िशें रच रहे थे ओ बेरिया के साथ चढ़ जे जो दिले के काली थार गिड़ी मार देना गोर के से छोरे डार्लिंग मारे चरचे से तेरे चाल दे तो कई लोग तो बता रहे हैं कि अपने व्यूज के चक्कर में पता नहीं कैसे कैसे कंटेंट भी लोग ला रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं आया हूँ नागौर के अंदर और आपको नागौर की एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ आपने एक सॉन्ग सुना होगा बहुत ही वायरल हुआ वा था तेरे बिन जिंदगी अधूरी से ज्यू हिरन बिन कस्तूरी से तो रवि बिश्नोई का सबसे वायरल सॉन्ग था यारी तो आप लोगों ने देखा होगा उस सॉन्ग के अंदर राजू मांझू का भी रोल था उनसे रिलेटेड भी कई बातें हम करते हैं नमस्कार जी नमस्कार तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो आपका सॉन्ग रिलीज हुआ था यारी वो हिट भी हुआ था तो उसके अंदर राजू मांझू का भी रोल था वो सॉन्ग बनाया तो कितना टाइम लगा उसमें सर एक्चुअल में जब हमने यारी गाना डिसाइड किया था तो ये आई थिंक फरवरी महीना था फरवरी 2020 सॉरी इक्कीस फरवरी दो, 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 दो था उस टाइम मैंने ये गाना बनाकर मतलब कि जब मैंने रिकॉर्ड करके राजू को भेजा था कि कुछ इस टाइप का गाना है राजू ने पहले बात हुई थी हमारी हम एक अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने कहा था कि कुछ अब गाना हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा गाना बनाएंगे जो एक यारी दोस्ती पे या कुछ मतलब एक लेवल का गाना हो कुछ रिलेशन बताने लायक गाना हो तो यारी दोस्ती पर मेरे ये यारी वाला गाना दिमाग में आया था मैंने वो तैयार करके राजू को भेज दिया मैं कहा यह गाना ऐसा है तो राजू का मेरे पास वापस मैसेज आता है कि डन है इसको हम शूट करते हैं आप कल जोधपुरा जाओ अच्छा तो उसके लिए मैं फरवरी से जोधपुर था यारी गाने के मतलब शूटिंग के सिलसिले में वो गाना फरवरी से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई लगभग छः से सात महीने लग गए हमें उस गाने के पीछे क्योंकि उनके मतलब कारोबार बिजनेस के मतलब वो इतने बिजी रहते हैं शेड्यूल नहीं मिल पाता था प्लस वो अभी गौशाला वाला उन्होंने कुछ सिस्टम भी शुरू किया था तो उनकी गौशाला का निर्माण हो रहा था उस टाइम और गायें आ रही थी नई नई प्लस वहाँ पे वो पेड़ पौधों वाला कुछ सिस्टम कर रहे थे उनका एक प्रोग्राम भी करना था तो हाँ। उस सिलसिले में प्रचार वगैरह में बहुत बहुत ज़्यादा बिजी अच्छा। मतलब थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा अच्छा। अच्छा। तो राजू भाई जोधपुर के लोअ से बीच में दूरी कम से कम डेढ़ सौ से दो सौ किलोमीटर की है तो ये दोस्ती कहाँ से हुई सर सोशल मीडिया आजकल सबसे बड़ा जरिया है और सोशल मीडिया पर कई चीजें चर्चा चलती है इधर उसे उधर तो एक टाइम था कि वो अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं राजू माजू तो मैंने उनका मतलब वो देख के मेरी टीम मैनेजमेंट में है विकास बाबल थे उस टाइम अच्छा। तो विकास जी ने बोला था कि हम राजू भाई से बात करते हैं और उनके साथ कुछ गाना वगैरह कुछ करने की कोशिश करते हैं कोलब्रेशन करेंगे हम विकास जी के कहने पर हमने वो कॉन्टेक्ट वगैरह उनसे किया था तब शायद वो ये लॉकडाउन का से लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम लॉकडाउन में फिर हमने वहाँ से कॉन्टेक्ट किया था राजू भाई से उन्होंने बुलाया हमें मनीष जी के भाई की शादी थी उस टाइम भी उन्होंने बुलाया था लेकिन हमने वहाँ भीड़ में जाने की बजाय हमने सोचा कि हम दो तीन दिन बाद में जाएंगे ताकि आसानी से मिल अपना जो मोटिव है उसके बारे में हम उनसे बात कर पाए शादी तो के दो दिन बाद हम वहाँ पे गए थे अच्छा। फिर जाके हमने मतलब धीरे धीरे फिर जो मिलते रहे बातें होती रही दोस्ती होती रही बस ये सिस्टम तो उस सॉन्ग के बाद में भी बहुत सारे सॉन्ग लगातार आपके आ ही रहे हैं तो इसी सीरीज के अंदर हमने देखा कि एक सॉन्ग था सरकारी फैसले तो ये सॉन्ग काफ़ी एक देखे तो अटपटा भी है और कहीं लोगों को पसंद भी आ रहा है तो इस बारे में आपकी क्या राय है सर क्या है कि अब लोग हर तरह के लोग होते हैं सबका माइंड अलग अलग होता है किसी को किस टाइप की चीज़ पसंद आ जाए कुछ कह नहीं सकते और रही बात यह कि गाना लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं तो सारों का धन्यवाद है जी बाबा की मेहर और एक बात है कि आज का जो माहौल है युवा पीढ़ी के अंदर ज़्यादातर ये गैंगस्टर गैंगवार नशा ये सब लगभग आम लोगों में देखने को मिल रहा है और आपका जो शौक़ था सरकारी फैसले उसके अंदर ही लगभग यही दिख रहा है तो इसका दिखाने का आपका क्या मकसद था सर हमारे गाने से तो कोई सुधर नहीं रहा है कोई बिगड़ नहीं रहा है ऐसा सिस्टम तो मेरे गाने से सुन नहीं हो रहा या कोई आप कहीं और किसी का प्रवचन सुन के तो ये चीज़ नहीं कर रहे ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमने गौ मैया गाना भी किया है गौ माता के लिए था उससे इंस्पायर्ड होकर लोगों ने गौ सेवा तो शुरू नहीं कर दी सर तो मेरे गानों से कोई बिगड़ नहीं रहा है मेरे गानों से कोई सुधर नहीं रहा है ये एक एंटरटेनमेंट का साधन है सर अच्छा तो कई लोग तो बता रहे हैं कि अपने व्यूज़ के चक्कर में पता नहीं कैसे कैसे कंटेंट भी लोग ला रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है तो व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कोई सीन नहीं है सर क्योंकि एक आजकल की वाइब चल रही है एक अट्रैक्टिव वाइब चल रही है उस हिसाब से हम काम करना चाह रहे हैं जैसे कि मतलब धीरे धीरे जो भी चल रहा है मार्केट के अंदर उस हिसाब से काम करना चाह रहे हैं हम भी समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो चीज़ नहीं है और बाकी हमने ऐसा नहीं है कि मैंने गाने वो नहीं किए मैंने लहंगो गानों लहंगो गाना किया है मैंने हिवड़े गोहार किया है मैंने हीर रांझा किया है मैंने ये गो मैया किया है लेकिन आप उनका यूट्यूब पर जाके सर रेशियो देखिए बहुत डाउन रेशियो है अच्छा तो ऐसा तो हम आप नहीं कह सकते कि मतलब मेरे गानों से कोई सुधर रहा है कोई बिगड़ रहा है या मैं व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी मतलब वो चीज़ें कर रहा हूँ गाने में सब टाइप के कर रहा हूँ लेकिन अभी का सिस्टम यही है कि जैसे मतलब जो चल रहा है कि आजकल टाइम बदल रहा है वक्त बदल रहा है उस हिसाब से चल रहे हैं सर अच्छा तो पीछे के दिनों में हमने देखा कि आपका जन्मदिन भी था तो एक साइड तो लोग आपको बधया दे रहे थे और वहीं पर कुछ अफवाहें भी उड़ रही थी वो क्या मामला था सर अफवाहों की क्या है कि ये तो चलता रहता है सर किसी की कोई ऊपर चढ़ रहा है तो लोग गिराने की कोशिश करेंगे जो साथ वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि और आगे बढ़े ये एक आम सी बात है सर किसी के लिए भी कोई कुछ किसी हिसाब का मुद्दा बना के आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो आपके पास अब एक वो तो मैं आपको रोक तो नहीं सकता आप मेरे बारे में क्या बोलोगे लोग बोलते रहते हैं सर लोगों का क्या लेकिन वो मुद्दा था जो मैं वो लाइव आके मेरे खिलाफ़ जो भी मतलब एक साजिश से चल रही थी जो भी वो कोशिश कर रहे थे उनका नाकामयाब हुआ क्योंकि एक चीज़ है किसी के किसी के ऊपर आप जुटा आरोप करके उसको मतलब उस चीज़ में आप फंसा नहीं सकते अगर वो बंदा उसमें इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा तो वो पकड़ा जाएगा अपना थे नहीं और प्लस अपने जितने भी सपोर्टर्स है अपने यार दोस्त है सारों का बहुत तगड़ा प्यार रहा तगड़ा सपोर्ट रहा कि हम फ्री हैं उस मैटर से जहाँ तक है लगभग हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति काम करता है जो आप वाली इंडस्ट्री है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर तो एक टीम वर्क करते हैं उसकी टीम होती है और मैंने लगभग काफ़ी टाइम से मैं आपको जानता भी हूँ क्योंकि मेरा जानने का तरीका वैसे मैं आपको डायरेक्ट नहीं जानता था लेकिन कोई भी बंदा है शायद तक आपसे जुड़ा हुआ है टच में वो बताता रहता है लेकिन मैंने नहीं देखा कि आपकी भी कोई टीम है ऐसा क्यों आप अकेले ये कर रहे हो सब सर ऐसा नहीं है कि मैंने टीम नहीं बनाई और मैंने टीम वर्क करना नहीं चाहा क्योंकि अकेला इंसान नहीं कर सकता सारा काम okay. मैंने सर शुरू से कोशिश की थी कि मैं एक टीम लेके कर चलूँ सबके साथ वही काम करूँ लेकिन एक स्ट्रगलर बंदा होता है उसके साथ में सारी चीज़ें वो नहीं होती कि वो सबको सब कुछ अफोर्ड करवा सके वो एक अपने अपने लेवल के बंदों को ढूंढता रहता है लेकिन मेरे साथ सिस्टम यही हुआ था कि सर जो भी मतलब जुड़े थे वो किसी न किसी स्वार्थ की वजह से जुड़े थे उनको लगा था कि हमें बहुत कुछ यहाँ से एक मतलब मिलने वाला है खजाना मिलने वाला है यहाँ पे तो वो सिस्टम लेके आए थे और वो उनका उनकी थ्योरी है सर वो क्या करे क्या नहीं करे मैं उनका कुछ नहीं कह सकता बाकी ये सिस्टम है कि ज़रूरत नहीं है सर टीम की तो कुल मिला के आप ऐसा मान रहे हो कि मैं अकेला यूँ करूँगा के बाद या फिर जो भी है खुद इतनी आप समर्थ हो कि खुद कर सकते हो ऐसा सिस्टम नहीं है सर कभी कभार ये लगता तो है कि टीम एक टीम वर्क होता या साथ मेरे भी साथ में कोई काम कर रहा होता मुझे अच्छा लग रहा होता लेकिन सिस्टम यही है कि सर मेरी आदत नहीं है मैं किसी के पीछे भागता रहूँ या किसी के मतलब उस हिसाब का सिस्टम रहे मेरा तो मैं मौके देता हूँ और ज़्यादा मौके भी नहीं देता और एक दो बार में कोई अपना रंग दिखा देता है उसके बाद में सर मेरा उसके साथ बनता नहीं अच्छा। मेरा इसी टाइप का नेचर है किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता अब जैसा कि आपने अभी कहा था कि सर आपकी टीम में जो पहले थे वो अभी नहीं है तो शायद सर आप इस चीज़ में गलत हैं आपने देखा नहीं होगा नोट नहीं किया होगा मेरे साथ शुरू से जो बंदे थे आज तक वही बंदे हैं जो बंदे निकल के गए हैं वो बंदे वही गए हैं जिनका मैंने हाथ पकड़ के आगे लाने की कोशिश की बाकी हम जिन बंदों ने हमने साथ में काम शुरू किया था वो बंदे आज भी मेरे साथ हैं वो बंदे मेरे से दूर नहीं गए तो एक देखे तो आप राजस्थान के हो जहाँ तक हो राजस्थानी संस्कृति को भी प्रमोट करना चाहिए उसी जगह आप हरियाणवी सॉन्ग और पंजाबी सॉन्ग ये ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करते हो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है सर एक चीज़ होती है कि इंडस्ट्री सबसे बड़ी चीज़ होती है इंडस्ट्री एक अपने आप में एक मतलब समाज होता है जिसके अंदर सारे लोग परिवार के लोग होते हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले वो सिस्टम रहता है अभी इंडस्ट्री यहाँ की थोड़ी सर गुल गुलने मिलने वाली इंडस्ट्री नहीं है सभी अपने अपनी चादर खींच रहे हैं अपनी अपनी, अपनी ओढ़ रहे हैं तो उस हिसाब का सिस्टम है तो मैं यहाँ पर रह के किसी एक पर्टिकुलर मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता किसी के लिए तो वही सिस्टम है मैंने शुरुआत की थी जैसा कि मैंने बताया था आपको मैंने वो गाने किए थे काफ़ी हुसन राजस्थान का मैंने गाना किया था कोई रिस्पॉन्स नहीं आना यहाँ की इंडस्ट्री है जो अलग ही भाग रही है लेवल्स अलग भाग रहे हैं फिर यहाँ का जो अभी एक ट्रेंड जो चल रहा है वो राजस्थान में डीजे सॉन्ग का ही चल रहा है तो डी जे सॉन्ग सर मैं डीजे सॉन्ग कर नहीं सकता सबका एक अलग अलग जोन होता है उस जोन में काम करना होता है मेरा डीजे सॉन्ग वाला या ऐसा कुछ जोन है नहीं जिस जोनर में मैं काम कर रहा हूँ वो जोनर वहाँ का ही सूट होता है फिलहाल मुझे यहाँ के राजस्थान के लिरिक्स नहीं मिल रहे अगर राजस्थान या मारवाड़ी मेरे को लिरिक्स इस चीज़ के मिल रहे होंगे तो मैं ये चीज़ श्योरिटी करूँगा ऐसा नहीं है कि मैं राजस्थानी को करना नहीं चाहता राजस्थानी लैंग्वेज मुझे पसंद है मैं चाहता हूँ राजस्थानी लैंग्वेज को मैं प्रमोट करूँ पर सर लिरिक्स की बहुत ज़्यादा इसमें मतलब डिमांड रहती है या गाना गाने के लिए लिरिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो लिरिक्स की कमी रहती है राजस्थानी लैंग्वेज में अच्छा तो अब आगामी जो आपका एल्बम रहेगा वो किस प्रकार का हूँ उसके बारे में थोड़ी जानकारी सर आने वाला मेरा एल्बम आर जी इक्कीस नाम से मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान अच्छा। राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट आर जी इक्कीस मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक एल्बम रिलीज इपी रिलीज कर रहा हूँ अच्छा। छः गाने होंगे टोटल तो वो कब तक रिलीज करोगे कोई आइडिया या फिर पहले बताऊँगी नहीं कोई सरप्राइज है ऐसी कोई बात है तो कि बता दो सरप्राइज़ ऐसा ऐसा भी सीन कुछ नहीं है सरप्राइज़ वाला काम कर रहे हैं सर एक्चुअल में वही है कि कुछ अच्छा करने के लिए टाइम तो लगेगा वो चल रहा है प्रोसेस तीन महीनों से चल रही है पिछले और आई होप महीना भर और लग जाएगा एक महीने भर में आ जाएगी तो उस गाने के कोई बोल आप सुना सकते हो जिससे लोगों को भी जिज्ञासा रहे कि इसी प्रकार का भी कोई सॉन्ग आएगा और हम इच्छुक हैं कि वो जल्दी से जल्दी आए जी जैसे कि आर जे इक्कीस के अंदर आर जे इक्कीस टाइटल का ये गाना है मेरे पास उसका कुछ बोल इस हिसाब से है कि ਤੂੰ ਕਾੜ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪਿਆਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਕਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਛਾਪ ਦੇਣਾ ਗੋਰ ਕੇ ਸੇ ਛੋਰੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਮਾਰੇ ਚਰਚੇ ਸੇਰ ਤੇਰੇ ਚਾਲ ਦੇਣਾ ਗੋਰ ਕੇ ਸੇ ਝੋਟੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਮਾਰੇ ਚਰਚੇ ਸੇਰ ਤੇਰੇ ਚਾਲ ਦੇ ਉਹ ਬੇਰੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਚੜ ਜੇ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗੋਰ ਕੇ ਸੇ ਛੋਰੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਮਾਰੇ ਚਰਚੇ ਸੇਰ ਤੇਰੇ ਚਾਲ ਦੇ ये गाना है सर आरजे की क्या बहुत ही अच्छा लगा वैसे जो बोल है उनके हिसाब से लग रहा है बहुत अच्छा होगा और हम आशा करते हैं हिट भी होगा सर बाबे की मेहर है और जितने मेरे चाहने वाले मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये एल्बम बहुत अच्छा लगेगा जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं आई होप उनको भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने कोशिश की इस बार एक अलग तरीके का काम करने की और जैसा कि मैंने बताया था पिछले तीन महीनों से लगा हुआ हूँ और महीना भर और लग जाएगा चार पाँच महीने की मेहनत है आई होप आप सबको ये चीज पसंद आएगी सर तो कहीं आपके सॉन्ग को लेकर भी अफवाहें फैल रही थी थी वो क्या क्या आखिरकार सर सॉन्ग्स को लेकर जैसे कि अफवाहें फैल रही थी आप क्या कहना चाह रहे हो जैसे कि जैसे कोई बता रहे की एल्बम हमारे थे या फिर ऐसी कुछ थी शायद तक ऐसा कुछ वीडियो आया था मेरे सामने मेरे को भी मेरे मतलब टीम से थे श्याम सुंदर अमित इन्होंने मेरे को भेजा था वो वीडियो कि रवि भाई ऐसा कुछ चल रहा है सीन ये क्या है मतलब ये क्या चीज़ है किसी बंदे ने यूट्यूब पर आके ये वीडियो जारी किया है कि मतलब बंदे ने मतलब एक एल्बम रिलीज़ कर रहा है रवि और अच्छा। उस रवि ने जितने भी उसमें गाने लेने हैं वो सारे गाने मेरे हैं अच्छा। रवि एल्बम रिलीज़ कर रहा है तो उसने मेरे सारे गाने उठा लिए ऐसे वैसे अब मुझे ये पता नहीं वो बंदा कहाँ से है बंदे की और मेरी सोशल मीडिया पर नॉर्मल हाई हेलो थी और वो बंदा बोलता था कि मैं लिरिक्स लिखता हूँ भाई मुझे कभी गाने के लिए मौका दीजिए तो मैंने कहा कि शोर आप क्यों नहीं आप गाने के अंदर आ सकते हो ऐसे वैसे, वैसे जो जो मेरे जितना मेरे से एफर्ट होता था मैंने उतना लगाया था उसके लिए उसके बाद में सीन कुछ होता है कि एक मतभेद सब में हो जाता है कोई ना मतलब दो सगे भाइयों में हो जाता है मतभेद साथ में काम करने वालों में क्यों नहीं हो सकता नहीं। उनका हुआ था उन्होंने पता नहीं क्यों कैसे ये वीडियो कर दिया अब मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ आपकी जितनी भी मतलब जनता देख रही है मैं आप सबको आपकी जितनी ऑडियंस देख रही है मैं सबको यही कहना चाहता हूँ अगर आपको रवि बिश्नोई कहीं पे गलत लगता है तो आप उंगली उठाओ आप रवि बिश्नोई के सामने आओ आप रवि बिश्नोई से क्वेश्चन पूछो ये बात हुई है ये यहाँ पे बात हुई है ये ऐसी बात थी आप मेरे पीठ पीछे कुछ भी बातें करोगे ऐसा तो सही नहीं है अभी आप मैं आपके साथ कुछ गलत करता हूँ आप मेरे को सामने से आके पूछोगे दस आदमियों को लेके आ जाओ मेरे से पूछो कोई बातचीत बात करो बात करने से मामले सोल्व होते हैं आप ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे पीठ पीछे कि रवि ने ये कर दिया रवि ने वो कर दिया रवि ऐसा है रवि वैसा है ये बातें थोड़ी होती है सर और अगर मैंने कुछ किया तो आप लीगल कार्यवाही करो कानून बना है उस चीज़ के लिए कानून बना है उस चीज़ के लिए आप लीगल कार्यवाही कर सकते हो उसके लिए आपका आपका सपोर्ट कानून करेगा और कोई नहीं करेगा सोचने वाली बात यह है कि मैं खुद एफर्ट हूँ मैं खुद लिरिक्स लिख सकता हूँ मुझे किसी के लिरिक्स मतलब किसी लिरिक्स सिस्टर गाने लेने की क्या ज़रूरत है मेरा सिस्टम सर शुरू से यही रहा है कि आ, मैं पर्टिकुलर जैसे कि अभी मेरे आ, गाना मतलब जो भी एल्बम आ रहा है उसके अंदर एक लिरिसिस्ट डेब्यू कर रहा है सेमी विष्णुई ठीक अच्छा। है बीकानेर या गंगानगर के गंगानगर से हैं सेमी विष्णुई और बहुत ही अच्छा लिरिक्स लिखता है बंदा बिल्कुल नया है ठीक है उसने आज तक तो कोई गाना रिलीज़ नहीं किया तो उ, उस बंदे ने मेरे को एक शायरी भेजी थी कि भाई ये रवि भाई ये मतलब शायरी है मेरी शेयर करो मैंने वो सारी सुन के मेरे को लगा यार बंदा बहुत मतलब एक लेवल का बंदा लिख रहा है मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा से कि मैं किसी बड़े आदमी के पीछे नहीं भाग के नहीं। जो बंदा शुरुआत कर रहा है जो बंदा स्टार्टिंग लेवल लेवल पे पे या जो मेरे लेवल पे, मेरे साथ वाला है मैं उस बंदे के साथ काम करूँ क्योंकि उनके साथ काम करने में सर एक अलग ही एनर्जी होती है वो एक अलग एनर्जी के साथ काम करते हैं अच्छा। बाकी एक लेवल पर पहुंचने वाले बंदे भाव भी नहीं देते सब चीजें हो जाती है सारी तरफ जैसा कि सेमी के गाने मैंने लिए हैं सेमी बीकानेर बैठा है अच्छा। उसकी और मेरी आज तक कभी मतलब मुलाकात नहीं हुई सोशल मीडिया के थ्रू वो बंदा मेरे को एक गाना तैयार करके भेजता है अच्छा। ये गाना है आप इस गाने को करोगे क्या मैं कहा भाई चलो इस गाने को कर लेंगे इन फ्यूचर कभी भी फिलहाल मैं कोई दूसरा गाना कर रहा हूँ अच्छा। वो गाना आने के बाद में मतलब सॉरी मेरे पास वो गाना भेजने के बाद में वो बंदा कंट्रोवर्सी चाहता है उसके लिए वो चाहता है कि वो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दे कि कर मेरे गाने उठा ली तूने रवि बिश्नोई को भेजा है वो गाना तभी रवि के पास वो गाना पहुंचा है हाँ। रवि तेरे घर पे आके गाना नहीं लेके गया एक टाइम को तू उसको गाना भेज के बोलता है भाई प्लीज़ मेरे साथ गाना कर लो ये गाना कर लो जब तेरे को टाइम नहीं दे पाता मैं अपने गाने कर रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ थोड़ा टाइम तो लगेगा हाँ। वो टाइम नहीं दे पाता बंदा कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में खुद को उठाने के चक्कर में चीज़ चीज़ें आके बोल के चला जाता है रवि ने ये कर दिया रवि ने वो कर दिया ऐसी चीज़ें सर ये और मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हो रवि को किसी से प्रॉब्लम है आके रवि से बात करें या कानून का सहारा लें तो अब आपकी जो भी टीम है जो भी ये छोटी सी टीम है मैंने सुना है वो भी काफ़ी मजबूत है उनमें कौन कौन सदस्य हैं उनके बारे में सर मेरी टीम मेरी टीम में ऐसे बंदे हैं और मुझे ऐसे ही बंदे चाहिए जिनको मैं कोई काम दे दूं कि कोई टास्क दे दूं कि ये काम करना चाहिए आपको वहाँ पे पहुँचना है बंदे वो वहाँ पे पहुँच के ही फ़ोन करते हैं कि भाई मैं हम यहाँ पे पहुँच गए आगे हमें क्या करना है ऐसा सिस्टम ऐसे ही बंदे मुझे चाहिए ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ क्या मिलेगा कल करूँगा परसों करूँगा ऐसे बंदे थे पहले उन बंदों से फिर आप बोल रहे हो कि आपकी किसी के साथ बनती नहीं है ऐसे नहीं बनती तो सर एक एम्पायर खड़ा करने के लिए एक काम खड़ा मतलब काम कर रहे हैं हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके लिए हमें एक्टिव बंदे चाहिए उनमें ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है तो मेरी टीम में बेशक बंदे कम हैं लेकिन गोल्डन बंदे हैं सर जैसा कि अशोक बाबल अमित जाकड़ श्याम सुंदर ऐसे स्टार फोटोग्राफी जो मेरा वीडियोस वगैरह शूट करते हैं आर के फोटोग्राफी है आर डी आर डी फिल्म से स्टूडियो है ये बंदे जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए थे वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे को छोड़ के गए तो नहीं भाई किसी को मेरे ख्याल से अगर शो में से एट्टी परसेंट बंदों को आपका व्यवहार पसंद आ रहा है बीस परसेंट लोगों को आपका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा तो मैं तो गलत नहीं हो सकता सर वो बीस परसेंट लोग ही गलत होंगे मैंने उन लोगों को यह तक मौका दिया कि रवि कहाँ पे गलत है आप आके एक बार बैठ के बातचीत कर लो जहाँ गलत होगा तो आप अपनी कार्यवाही करो अपनी मन मर्जी से कोई आरोप लगा के कोई मेरे को कुछ आरोपी तो साबित कर नहीं सकता उस टाइम हुआ यह था कि कुछ मेरे को मेरे बर्थडे पे जो मेरे को बेस्ट विशेज आ रही थी कुछ लोग मेरे को अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कामनाएँ मतलब अच्छे फ्यूचर के लिए विशेज दे रहे थे बर्थडे विशेज आ रही थी मेरे को और मेरा दिन अच्छा जा रहा था तभी शाम को एक मतलब मेरे पास धमकी भरे कॉल मैसेजेस ऐसे आने शुरू होते हैं आपको उठा लेंगे मार लेंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे कॉन्ट्रोवर्सी रवि ये है रवि वो है मैंने जैसे ही सोशल मीडिया ओपन किया चारों तरफ जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पर मेरे बारे में पोस्टर्स लग रहे हैं रवि बिश्नोई ने ये कर दिया रवि बिश्नोई ने वो कर दिया जबकि मुझे उस उस मैटर के बारे में कुछ पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में मैं खुद सोशल मीडिया पे जाके वहाँ पे वो वो जो बंदे थे मेरे खिलाफ लाइव आ रहे थे मैंने उन बंदों का जब लाइव ओपन किया तब मेरे को चला ये किस बात के लिए मेरे को बोल रहे हैं जैसा कि कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रही थी उसमें बंदे लाइव आके मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे थे मैं उन्हीं के लाइव के अंदर मेरी ऑफिशियल आई डी रवि बिश्नोई म्यूज़िक ऑफिशियल आई है मेरी उस आईडी से मैं वहाँ पे जाके उनको मैसेज कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है आप मेरे को लाइव के अंदर ऐड करो तो जिस बंदे की गलती होती है वो उनके सामने से जाके बोलता है कि मुझे लाइव में ऐड करो वो बंदे मेरे को लाइव में ऐड नहीं कर रहे इसका मतलब क्या हुआ गलती किसकी है खैर मुझे यहाँ पर नहीं तो सही साबित होना है सर नहीं मुझे कोई गलत साबित कर सकता मैं अपनी जगह हूँ और अपनी जगह सही हूँ मुझे ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया जैसे जैसे स्ट्रगल मेरा आगे बढ़ता गया उस हिसाब से बंदे भी टूट गए सर डूबती हुई जहाज़ में कौन सवारी करता है ये आपने सुना ही होगा कहीं कही। सर वही सिस्टम है और आज जब एक ई वगैरह का हुआ सिस्टम हुआ ये हुआ तब वो लोग बदनाम करने पर आ गए ये ये है इसको तो हमने बनाया इसको ऐसा किया है सर आपने बनाया तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वैसे जहाँ तक देख रहे हैं आपके हर सॉन्ग नहीं चलता है काफ़ी सॉन्ग चलते हैं तो कोई सॉन्ग डाउन भी रहते हैं तो आप किसकी वजह से इतना मोटिवेट होते हो और फिर भी सॉन्ग पे सॉन्ग निकाल रहे हो सर अप एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं लाइफ के अंदर और मेरा फील्ड यही है मेरा काम यही है मैं इसको अगर मेरे कुछ फेलियर्स की वजह से मैं इस काम को छोड़ दूँगा तो फिर वो तो कैसे बनेगा रही बात मेरे मोटिवेशन की तो मेरे गुरु है सूर्य प्रकाश जी सर जो मेरे नाइन्थ टेंथ में क्लास टीचर भी थे साइंस पढ़ाते थे हमें वो आज भी मेरे से कनेक्टेड है और एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर की तरह मेरे से हमेशा कनेक्ट रहते हैं मैं जब कभी भी खुद को डाउन फील करता हूँ मैं उनको फ़ोन करके अपने बारे में जो भी मेरे मेरे साथ जो भी हुई है जो भी बीतती है मैं उन, उनसे बात कर लेता हूँ एक बारे में वो मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं चाहे उनको मेरा गाना पसंद आए या नहीं आए लेकिन वो यही समझते हैं कि मतलब वो मेरे को इस 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 फ्लो में ऊपर चढ़ाते हैं कि नहीं यू आर द बेस्ट तुम बेस्ट हो मेरा मोटिवेशन है जो एक तो मैं सिद्धू मूसेवाला का सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर है उनसे इंस्पायर था और उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जो सूर्य प्रकाश जी सर है एस सर जिनकी वजह से मोटिवेट होते हैं और आपसे पूछना चाहूँगा आपके स्ट्रगल के बारे में तो लोग कहते हैं मैंने ये किया मैंने वो किया मैं शुरुआत में वहाँ गया ये किया ये सीखा वो किया तो आप इस म्यूज़िक की जो भी इंडस्ट्री है इसमें कैसे आए आपका स्ट्रगल क्या रहा वो बताइए सर एक्चुअल में मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे म्यूज़िक फील्ड के अंदर जाना है या मैं कभी सिंगर बनूंगा या मैं कभी गाने निकालूंगा मेरा शुरू से सिस्टम यह था कि मैं एक एक्टर बनूं मैं कोशिश ये कर रहा था कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है उसके लिए मैंने एक शुरुआत में 2017 के अंदर एक सीरियल के लिए ऑडिशन दिया था जो निमकी विधायक निमकी मुखिया सीरियल आता था, था उसके लिए उसमें हम सेलेक्टेड भी हो गए थे उसके बाद में सीन ये हुआ था कि फैमिली फे, फ्रेशर्स इतना था कि फैमिली ने बोला आपको मतलब ये चीज़ें नहीं करनी है अगर आप हमसे परमिशन चाहते हो तो आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए यह सब चीज़ें छोड़ो एक गवर्नमेंट जॉब होती है सब कुछ आप वो करो मिडिल क्लास फैमिली सर किसान फैमिली से तो उनका एक सपना यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले उनकी वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाया था उसके बाद मैंने कॉलेज टाइम में जब मैं था तब एक हमारी ये मतलब कॉलेज के अंदर एक प्ले हुआ था उस प्ले में मैंने कुछ एक रोल किया था जिसके अंदर मेरा रोड साइड रोमियो का रोल था जैसे कि गिटार बजा के कुछ गाना गाने लायक ऐसा गिटार वगैरह मुझे बजाना नहीं आता था एक गाना गाने वाला सीन था वो मैंने गाना गाया था उस टाइम तो वहाँ पे ऑडियंस ने मतलब जो वापस रिप्रेजेंट किया मेरे को वो वो चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली कि आप मतलब गाना क्यों नहीं ट्राई करते वहाँ पे एक मेरे जो क्लास टीचर थी मैम थी उन्होंने बोला कि रवि तू गाना ट्राई कर okay. उन्होंने मेरे को एक यूट्यूब चैनल वगैरह बना के शुरू करवा के वो शुरुआत में सबसे पहले स्टूडियो वगैरह का सिस्टम सेट करवाया था कि वो स्टूडियो स्टूडियोज़ के चक्कर तो मैंने निकाले ही थे सर वैसे बाकी स्ट्रगल जैसा मेरी लाइफ के अंदर कुछ रहा नहीं है मेरा मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे मतलब दोस्त अच्छे थे जैसा कि महेंद्र सैनी मेरा जो स्कूल टाइम से दोस्त है महेंद्र सैनी प्रदीप चौधरी प्रदीप चौधरी बाड़मेर से, पर्दीव चोधरी, पर्दीव चोधरी बाड़ से। और महेंद्र सैनी जो मैं हम दोनों साथ में रहे हुए हैं साथ में पढ़े हुए दोनों दोस्त मेरे ऐसे थे जो मेरे को कभी मतलब डाउन फील नहीं होने देते थे, थे जब भी मुझे फाइनेंशियल या किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है मैं इनको कॉल करके अपना मतलब काम जो भी मैं इनको बताता था, था ये मेरे सपोर्ट में खड़े थे तो महेंद्र सैनी का बहुत तगड़ा योगदान रहा है मेरे म्यूज़िक फील्ड के अंदर आगे आने में बाकी स्ट्रग स्ट्रगल जैसा मेरी लाइफ में कुछ रहा नहीं है जैसा जब तक आपको काम कर जिस जिस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है ना उसमें मेरे ख्याल से स्ट्रगल नहीं होता उसमें तो आप रात दिन लगे रहो बस लगे ही रहूँ मज़ा आता रहेगा आपको स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में अच्छा तो अब आपको क्या लगता है आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूँ या फिर आपका परिवार चाहता है कि आप अभी भी गवर्नमेंट जॉब करो नहीं, नहीं सर ऐसा सीन अभी नहीं हो रहा है अभी कृपा है भगवान की सारा कुछ सिस्टम अच्छा है प्लस एक अच्छी खासी फॉलोइंग हो गई है जिसकी वजह से मतलब मेरी फैमिली जहाँ कहीं भी जाती है उनको एक अच्छा फील होता है मेरे बारे में लोग उनसे पूछते हैं उनको अच्छा फील होता है तो उनको लगने लगा कि हाँ कुछ मतलब अच्छा कर रहा है बंदा उसको करने तो बेस्ट कर रहा है अभी तो मेरे पापा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में कि आप गाने इतने लेट क्यों कर रहे हो जल्दी जल्दी गाने निकालो ये करो वो करो सारा सिस्टम तो इसके अलावा हम कई वीडियोस में देखते हैं बायोग्राफी वीडियोस में रवि बिश्नोई की लाइफ स्टाइल चार चार ओढ़ी बंगला ये क्या है ऐसा कुछ ऑडी वगैरह कुछ नहीं है सर अपने पास स्प्लेंडर है ट्रैक्टर है कैंपर है बस ऑडी वगैरह अभी फ़िलहाल कृपा रही बाबे की तो हो जाएगी बहुत जल्दी वैसे ऑडी मेरी फेवरेट गाड़ी नहीं है मुझे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पसंद है अब जब कभी मैं उसके काबिल होंगे तो वही लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ थे रवि जी बिश्नोई आप सबको मालूम है जीवन परिचय आपको लगभग पता ही है मैंने जो भी गुप्त बातें थी वो भी बताने की कोशिश की और यदि कोई प्रश्न आपको पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना क्योंकि जहाँ तक हो फिर से मिलेंगे तो जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उस पर भी एक वीडियो आएगा